This video is regarding installation of the 11.9 ampere, which is like crank 1 battery, and thanks to the group member Apurva Beshwar ji, and unke wajah se hame unhone jo स्टोर का एड्रेस बताया वहाँ से मैंने पिकअप किया ये और इंस्टॉलेशन करेंगे इस अपनी बाइक में भी। इसमें SF सोनिक लगा हुआ है TZ9 विच इज़ अराउंड 8 एम्पियर और 9 एम्पियर समथिंग। प्रॉब्लम क्या रहा विद माय बाइक, दो ढाई ढाई तीन दिन मैंने मेरी बाइक ऐसे खड़ी रहती है और फिर मैं हार्डली फिर इसको निकाल पाता हूँ मैं, और आई वॉज़न हैप्पी विद द बैटरी। ये रिकमेंड किया था और स्टोर ने बोला इन माई कंडीशन में जो दो तीन दिन महीना गाड़ी ऐसे मेरी खड़ी रही थी हाइबरनेशन में, तो इसकी जो बैटरी की जो लाइफ है, कोई भी बैटरी की लाइफ है, 1.5 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं इन माई केस। और ये क्रैंक वन का बैटरी इज़ मेड इन जापान, AGM बैटरी है और उसका CCA भी काफ़ी अच्छा है, 225 है इसका। मॉडल नंबर है CB14S SMH एंड दिस इज इम्पोर्टेड इन इंडिया बाय क्रैंक वन परफॉर्मेंस इंडिया इटसेल्फ, and the MRP on this is 6300, which I think is on a very higher side। अगर ये बैटरी अगर एक्साइड बनाएगा या एक्साइड की भी है शायद, तो होना चाहिए 2.5 से 3 हज़ार रुपये। मैंने ऑनलाइन चेक किया था टाटा ग्रीन का बैटरी विच इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, वो भी कुछ 7800 या 7600 के आसपास है वो बैटरी। मैं ये इसलिए डालना चाहता हूँ जस्ट टू गेट मोर एम्पियर। इसमें 11.9 AH का बैटरी है, तो ये अपन डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। मेरा BS4 वाला गाड़ी है, होप सो ये बैठना चाहिए ये विदाउट एनी हर्डल। और मैं अभी अपने सन को देता हूँ ये मोबाइल होल्ड करने के लिए, सो विल मेक अ वीडियो। काम कर लेता हूँ, और क्रैंक वन का वारंटी सिर्फ इंडिया में 1 साल का है। तो अभी कंपैरिजन करते हैं ये साइड बाय साइड रख के, साइज डैमेज भी, ये वारंटी कार्ड भी आया है, इसमें बिल है, वारंटी कार्ड है, इनकेस की अगर हो जाता है तो संभाल के रखना पड़ेगा ये। और इसका अपन ये देखेंगे, सेम डायमेंशन है। आ रहा बाबू? हाँ, थोड़ा क्लोजअप लो भी थोड़ा, बस इन दोनों का डायमेंशन, हाइट लेंथ सब कुछ। हाइट हल्की सी मुझे ये लग रही है, हल्की सी लाइक थोड़ी ज़्यादा है, फिट हो जाएगा। ब्रेथ वाइज में सेम है ये, ठीक है, लेंथ ब्रेथ सेम है इसका, और हाइट में हल्का सा लग रहा मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा, तो अपन देखते हैं अभी, ठीक है। तो पुराने वाले का लगा देता हूँ मैं, इसका CCA देखते अपन कितना है। VRL बैटरी CCA कुछ लिखा नहीं है,
blah 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 blah. ऐसा कुछ लिखा ही नहीं किसी ने। इसका सीसी कुछ लिखा नहीं भाई। इसमें तो लिखा है सुपरियर परफॉर्मेंस ये वो बला बला लिखा है इसके अंदर। इसके साथ ये भी आया है तो अभी इनके पास स्टॉक आज ये मैं भाग के गया। कल मुझे जब पता लगा ग्रुप मेंबर ने डाला है तो मैंने फ़ोन किया था ग्रॉस वर्ड्स में, तो आज मैं इसको लेके आया। उनके पास अभी ये सिर्फ फिलहाल इतना ही था स्टॉक में, तो इसमें रख के देखते हैं। काफ़ी स्नग फिट हो रहा है, इससे अच्छा है कि बैटरी हिलेगी भी नहीं। चलो ओके अच्छा, ये थोड़ा रबर है ये नाटक कर रहा है। थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ यहाँ पर तो स्लाइड होने में इजी रहेगा। बैक से बैक तो रही है, हम किसी टाइट थोड़ी है, टाइट होगा ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से। पट्टी है लगा देते हैं यहाँ पर, क्लिक मार देगा अच्छे से। चलिए खोल के चेक कर ही लेते हैं, अब इतना कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेते हैं। ये तो ठीक भी डेस्ट है, सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और ये चेक कर ही लेते हैं। जाने दो, ये ज़्यादा ही टाइट है, ज़्यादा मैं फिंगरिंग नहीं करना चाहता उसके साथ, इसको बस लगा देता हूँ। कभी भी चलती चीज़ भी ख़राब हो सकती है फिंगरिंग पर, इट्स बेटर अवॉइड दैट। इसको तो अपन बाद में कॉन्टेक्ट किंग तो पूरा साफ करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिकल साइड थोड़ा बाद में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल ये बैटरी लगा लेते हैं। अरे वाह तो मस्त स्लाइड हो गई है अच्छे से स्लाइड हो गई है। बारिश बहुत धुंधार हो रही है, अच्छी बात है। फिर बारिश
नेगेटिव पहले लगा दिए और पॉजिटिव लगाएंगे अपन। गाड़ी का अल्टरनेटर कुछ 14 एम्स का है रेटेड, तो अपनी बाइक में भी सेकेंडरी बैटरी भी लगी हुई है यहाँ पर, तो कुछ 5 एम्पेयर की हो। मेरे पास इसका टर्मिनल का ग्रीस नहीं है यार, इसका एक अलग से ग्रीस आता है, इसको बाई डिफॉल्ट ये मार देते हैं डब्ल्यू टू फोर्टी है, बनेगा नहीं और क्या चलो देखो। तो क्रैंक करके देखते हैं क्या हाल है। अच्छी बात है, मैंने उस शॉप से काफ़ी कुछ सामान लिया, क्रैंक वन की बैटरी, पुटलिन की वो जो क्लीनर कम वॉल क्लीनर है वो भी मैं दिखाता हूँ। इसमें होगा यहाँ पे कहाँ गया बैटरी, मेरे पास नहीं पहुँच पा रहा बाबू, वो दोगे ग्रीन थैली दोगे। इसका भी ये बेल्ट भी लानी है, अभी वर्कशॉप में भी जाना है यहाँ पर। इसका क्लच मैं सोच रहा हूँ चेंज करा लूँ, इसका जो EBC का जो मैंने मंगाया हुआ है ना, ये देखो मैंने क्या क्या लिया। एक तो मैंने मैनुअल वाला लिया है, क्योंकि क्या होता है कि डिजिटल वाला में अभी बरसात में आप खड़े हो कुछ हो पानी वानी गया तो ख़राब हो जाएगा, ये अभी मैंने मैनुअल वाला ख़रीदा उनसे। ऐसा करते करते बिल बहुत ज़्यादा हो गया यार, बैटरी पड़ी मुझे 6300 की और ये सब सामान लेते लेते ये काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव हो गया यार। ये कितने का आया देखना पड़ेगा यार, हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है। मोबाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, 1400 रुपये का है। और ये कुछ इसी की बात कर रहा था, फ्यूल लाइट कम कर लेते इसको, जा रहा है लाइट इसकी जला लेते हैं। अच्छा ये सही है, इससे भी नहीं आ रहा है लाइट, कैसे कम करें इसमें, सब सीखना पड़ेगा यार। ये फ्यूल इंजेक्ट एंड वॉल क्लीनर है, ये सारी गाड़ियों में, तीनों गाड़ियों में डालूंगा, कार में भी, अपनी एक्सपल में भी, उसमें भी डाल दूँगा। तो ऐसा करते करते मेरा बिल पहुंच गया 10400 के आसपास लेते लेते। चलो इसको क्रैंक करेंगे बिना किसी टाइम पास के, तो इसका परफॉर्मेंस देखेंगे अपन। सो लुक्स गुड, लगा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको हैंड टाइट वाला एक सिस्टम बना लेता हूँ, इसका ऐसा खांचा बना के ना, ऐसा बना के इसका, ताकि हाथ से टाइट कर सके, हाथ से निकाल सके, टूल की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये तो चाबी से खुल जाता है, ये तो चाबी से खुल जाता है, क्योंकि तो इसका मैं सोच रहा हूँ
हाथ वाला कुछ बनाना पड़ेगा, सिस्टम करना पड़ेगा, ये बना देना होगा। ये भी मैंने लोहे की बेस्ट प्लेट को मैंने कलर किया, डेढ़ दो साल से ऐसे में चला रहा था, इस पर रस्ट पूरी तरह से पकड़ लिया था। काफ़ी थिकनेस है इसमें, कम से कम 3 mm के ऊपर कई थिकनेसेस है, नहीं 3 तो नहीं होगा यार, शायद लग रहा है, हाँ 2.5 mm से दो से तो ऊपर ही है। अब इससे क्या हुआ कि ये प्लेट ऐसा ना दबती नहीं है अपनी, प्लास्टिक वाला जो है ना माउंटिंग टॉप बॉक्स का, लचकता नहीं फिर ये, और उसी फिर मैंने अपनी लाइट्स इस पर लगा दी है। इसके पैन या स्टॉप बॉक्स तो अभी नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि फ्रेश पेंट हुआ उस पर वाइट कलर का, इसको शोरूम में लेके जाना है तो वहाँ तो विदाउट पैनर से लेके जाऊँगा मैं। इसका क्लच चेंज करेंगे, इसका PVC का लेके आया हूँ मुहूर्त, और मैं सोच रहा हूँ मैं इसको भी निकाल दूँगा, दिस इज़ वेरी पथेटिक। कुछ एसेसरीज इसमें बहुत पथेटिक है, जैसे ये है ना, ये भी मुझे बहुत पथेटिक लगा, इसमें साफ कर ही नहीं सकते यार लाइट, साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रही अपनी सेकेंडरी बैटरी, और इसका मैं ये भी चेंज करूँगा, कूलेंट भी लाएंगे, इसका चेंज करेंगे घर पर। इसका ब्रेक का भी काम करना है, ठीक है, मैं आपको अपडेट दूंगा फिर। थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसको ब्लीड करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसका मास्टर सिलेंडर बदला था, एयर था इसके अंदर, अभी ब्लीड कर रहा हूँ मैं। और ये वन वे वॉल है, तो ये सिर्फ यहाँ से जो इसको थोड़ा सा लूज़ कर लो, इसको लगता है 8 नंबर का पाना, हल्का सा लूज़ करके इसको कनेक्ट करके इस ट्यूब को, वन वे वॉल है ये, तो सिर्फ यहाँ से जाएगा, इससे क्या एयर नहीं पकड़ेगा, तो मेरा जो सॉफ्ट हो रहा है ना ये, एयर है उसको मेरे को, और ये बहुत ख़राब हो रहा है यार। अच्छा इसमें भी और डालना, मोबाइल पकड़ोगे बाबू, चालू है रिकॉर्डिंग, देखो बबल आ रहा है, देखा ऑयल की खराब हो रहा है, बबल भी है बहुत, ये देखो, ओ माय गॉड, दिख रहा है बबल, दिख रहा है, ट्रैवल करते हुए थोड़ा मोबाइल अच्छे से पकड़ना है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो रहा था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था करूँ। अब ये तो मैंने ड्रेन करने के लिए यूज़ किया, मैंने अभी ये फ्यूल इंजेक्ट क्लीनर सब में डाल लिया, अभी थोड़ा उसका मेंटेनेंस करना ही था अभी। आ रहा है बबल, ये भी थोड़ा टाइट हो रहा है, काफी एयर पकड़ा हुआ है यार इसे, बहुत है। इधर दिखाओ,
जब भी ब्लीडिंग करते हो तो इसका भी ध्यान रखना जो है, भरते रहो यहाँ से निकालते रहो। एयर तो है भाई इसमें, काफी एयर है। काफ़ी अच्छा, थोड़ी यार तेल तेल हो गया, जब थोड़ा कपड़ा घूमने लगा गर्मी के लिए टाइम मेरा स्किल हो गया। तो अभी काफ़ी टाइट भी हो गया है, ब्रेक पेडल टाइट भी हो गया था। ये सोच रहा हूँ इसको खोल ले जाऊँ और उसको थोड़ा सर्विसिंग कर देगा, ब्रेक पेडल टाइट है और इसका रिजर्वर थोड़ा बड़ा देना चाहिए था यार। सोच रहा हूँ मैं डोमिनार का लगा लूँ, कुछ बड़ा मिलेगा ना कोई भी गाड़ी का डोमिनार 400 का लगा लेते हैं, इसको लगा देते हैं। ये जो ऑयल है ये ऊनो मिंडे का है, मुझे टी वी एस का मिला नहीं है 0.4 का, एक ऐसा थोड़ा कैरी करने के लिए भी अच्छा है, छोटा सा ऑयल है। ठीक है, तो खोल के थोड़ा सर्विसिंग कर ही लेते हैं साले का, देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। सामान तो अपने पास बाइक में है ही सही, सब कुछ एक बार तसल्ली हो जाएगी खोलेंगे तो। जाम हो रहा है भाई, बुरी तरह से जाम हो रहा है। रैचेट यूज कर लेता हूँ, हो गया काम वैसे तो। ये
कंडीशन आप देख लो, आ रहा बाबू, ब्रेक पैड्स की कंडीशन अच्छी है, तो थोड़ा सा अपन ये मार देते हैं ब्रेक क्लीनर मार के, ब्रेक क्लीनर मार के खींच के। तो कहाँ से निकला है? अच्छा यहाँ से निकला, पिस्टन के यहाँ से था इसे, तो हाथ में आ गया, सुनना पड़ेगा। बारिश भी हो रही है, कुछ कर नहीं सकते, टाइम पास से ही ठीक है। क्या करो, उसका पिस्टल चेक हो जाता ना। पिस्टल जाम है कि क्या कंडीशन है पता चल जाएगा। मेरे पास ये जो है प्रॉपर ग्रीस लगाना चाहिए था, प्रॉपर ग्रीस। क्रॉस वर्ड्स वाले मुझे दे रहे थे लेकिन मैंने लिया नहीं उनसे, वो एक गलती हो गई।
भी हो जाएगा। बस पाने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई अपने इसमें से 12 नंबर गायब है। तो 12 नंबर डालना पड़ेगा सॉकेट पाना। आज के इस काम से पता चला कि अपने पास 12 नंबर का पाना गायब है अपने किट में से। मुझे लगा कि नहीं छोटू से इतना टॉप नहीं बनेगा। टॉक नहीं बन गया इससे। और ये मेरा पाना खराब हो चुका है। ये तो 13 नंबर का है। सॉरी गलत की कर
भाई अभी ये सेफ्टी के अंदर 17 नंबर का पट्टी पाना और 12 नंबर का ये सॉकेट मुझे डाल के रखना पड़ेगा मेरे किट के अंदर। आज अच्छा वक्त खोल लिया है जिससे आज पता चल गया अपन को। अभी अपन निकाल लेते इसको, ये खुल गया है, इसका भी सही सही कर ही लेते हैं। ये देखो कंडीशन, देखो कंडीशन तो खराब हो रही है। कंडीशन तो पिस्टन की है यहाँ पर बाबू, दिख रहा है क्या पिस्टन? हाँ हाँ, पिस्टन की कंडीशन खराब हो रही है, पूरा जंग लगा हुआ है उसमें। तो लेट्स सी, अपन ये निकाल लेते हैं, पैड्स निकाल लेते हैं, इसको निकलेगा यार। स्लाइडिंग है, ये भी इसमें कुछ मजा नहीं है स्लाइडिंग के अंदर। तो जो स्लाइड हो रहा है ना, इनके दोनों के ब्रिज खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये पिस्टन भी जो है ना, बुरी हालत में यार ये पिस्टन, मतलब सामान हैवी नहीं, इसको एक बड़ा पकड़ चाहिए था इसका। लेकिन देखता हूँ अगर पाना होगा, ये देखिए कितना रस्ट है इसके ऊपर, बहुत हेवीली रस्ट है, ये हेवी रस्ट है। इससे क्या है, पिस्टन का मूवमेंट पूरा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यू नो, ब्रेक जाम जल रहा है, ब्रेक जाम तो चल ही रहा है, ब्रेक घस भी रहा है, ओके। ब्रेक जब दबाया आपने तो ये पिस्टन क्या बाहर निकल के रह जाता है और ये रस्ट होने की वजह से वापस अंदर नहीं जा पाता, तो आपके ब्रेक जल्दी घिसते हैं, क्योंकि ब्रेक आपने जैसे ब्रेक रिलीज किया तो पिस्टन बाहर ही रहेगा और ब्रेक इसको डिस्क को है ना पकड़ के रखता है, तो इसका घसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको तो चीज़ें बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे अपने पाने भी थोड़े ये करने पड़ेंगे। अच्छा एक किट है ना, मैं तो यही रख लेता हूँ गाड़ी के अंदर, ऐसा वाला खड़ा रहेगा इसके अंदर। क्या ये चीज़ होना भी बहुत जरूरी है ब्रेक क्लीनर, अभी लास्ट में अपन इसको मार देंगे सब जगह। पिस्टन भी मार के देखते हैं, इसको अपन
भाई, लास्ट टाइम जब मैंने काम किया था ये तो ढूंढ लिया, इतना बुरी तरह से काम किया। आज ही मैंने गलती कर दी, मैंने कॉपर पीस लिया नहीं है, इसके ऊपर वो मार दूंगा अपना पुटलिन का जो पीस है ना, चेन पीस वो लेके आया हूँ, उसको मार दूंगा। बहुत ही ज़्यादा रस्ट है इस पर, पिटोलियन के ग्रीस लगा देते, स्प्रे लगा देते थे। ये देखिए गया अंदर, अभी स्मूथली गया, ज़्यादा मुझे दम नहीं लगाना पड़ा उसके अंदर, निकाल लिया अपन ने।
भी इसका फिर भी अच्छे से सर्विस नहीं हुआ है ना, मैं इसका मतलब कुछ नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं मतलब प्रॉपर पुलिस ये सब जो होता है तो सोचते रखते हैं फिर ठीक है पैच को भर देते हैं, पैच को पहले अपन भर के बस के फिर उसके ऊपर वो लगा लेंगे। तो पूरा मैसी हो गया है यहाँ पर, तो कर रहे हैं मेरे भी मुझे हाथ इसको असेंबल कर लेते हैं।
हमने सर्विस ही नहीं किया। पूरा सूख चुका है इसका पूरी। बाद में करेंगे वापस उसका सर्विस, तो फिलहाल कर रहे हैं। चीज़ें रिपीट बहुत ज़्यादा करता हूँ, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ चीज़ें, इससे मेरा लड़का ही परेशान है। पापा यू हैव रिपीटिंग थिंग्स, मतलब ओके गलती कर रहा हूँ मैं। पहले ये टाइप कर लेते हैं, लास्ट टाइम सर्विस सेंटर वाले यही चेंज कर रहे थे, बोला आपका ये ख़राब हो गया, इसका सिर्फ पिस्टन जो कैलिपर पिस्टन जो है रस पकड़ा हुआ था, अंदर नहीं जा रहा था, बोलते सर ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं बोला इसको खोलो, साफ करो इसको और लगाओ। इसे सर्विस मैनुअल देखना चाहिए भाई, ये कितने टॉप पे इसको टाइट करना है। मोड़ धोना जरूरी है सब चीज़ को।
वही अभी पंप करके देखते हैं। हुई बात कुछ थोड़ा है, एयर है सिस्टम में, अभी फिलहाल काम चला गया, तो मेरा लड़का ही बोर हो गया, तो वापस इसको भी खोलेंगे और वापस इसको भी करेंगे जब प्रॉपर अपने पास सामान आ जाएगा ना तब करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।